जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आपके चैनल डॉक्टर ओम्स में आपका दिल से स्वागत है, आभार है। यदि आप नए व्यूअर हो, चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लाखों दर्शकों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने डॉक्टर ओम्स को इतना सराहा, इतना दूर तक ले आए बहुत कम समय में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का एकमात्र चैनल डॉक्टर ओम्स जिसने लाखों लोगों को अभी तक निःशुल्क ज्योतिष उपलब्ध करवाया है, करोड़ों तक पहुँचने की हमारी उम्मीद है। दोस्तों, करोड़ों तक पहुँचना है तो आप इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। बस आपको यही काम करना है और हम चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धनुराशि के जो जातक हैं किस भगवान या देवी देवता की पूजा करें। उससे पहले मैं आपको तीन हिदायतें बता देता हूँ, इन हिदायतों को मानने के बाद ही आप इष्ट की पूजा अर्चना करें। सबसे पहली हिदायत है कि आप जिन भी देवी देवताओं को माने, उन्हें एक को माने, किसी एक को माने और स्थायित्व में माने, हमेशा उन्हें ही पूजा अर्चना करें। देखिए, सबकी पूजा अर्चना एक अलग है, लेकिन हर व्यक्ति का एक विशेष ईश्वर जिन्हें वो पूजते हैं, कोई बाबा भोलेनाथ को पूजता है, कोई गणपति जी को, कोई श्री राम जी को, और सबको कोई ना कोई एक विशेष जिनसे लगाव होता है। देखिए, कुल मिलाकर आप सभी को माने, और हम तो सबको मानना ही पड़ता है क्योंकि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, सभी को हमारी बराबर सम्मान है, लेकिन कोई विशिष्ट एक न एक हमारे विशेष जिनसे लगा होता है, ऐसे देवी देवता हर व्यक्ति के होते हैं, आपके भी होंगे, विशेष लगाव होता है। मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, दूसरे निवेदन है कि अपने इष्ट के मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय करें या श्री राम करें, ओम नमो भगवते वासुदेव करें, अपने इष्ट का आप जब हमेशा कंटिन्यू करते रहें, उससे बहुत फ़ायदे हैं। दोस्तों, आपका मन शांत रहेगा, आपकी परेशानियाँ हल हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको मानसिक रूप से एक आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़रूरी है, तो इष्ट के मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरी मुख्य बात ये थी। तीसरी बात है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास, अटूट विश्वास ईश्वर पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास अपने इष्ट पर रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मन में शांति और आध्यात्मिक एक अलग ही अलौकिक शक्ति का हाथ आपके ऊपर होगा। चौथी बात है अपने इष्ट से कभी कुछ मांगे नहीं, केवल कृपा मांगे। कृपा एक ऐसा शब्द है दोस्तों और ऐसा विषय है कि अगर किस पर कृपा ईश्वर करते हैं तो बहुत, ऐसे तो सब पर कृपा है ईश्वर की, लेकिन अब कृपा मांगे, यह नहीं मांगे कि गुरु पंडित जी भगवान हमें यह चीज़ चाहिए या वह चीज़ चाहिए, यह चीज़ हम नहीं मांग सकते, इस दुनिया में बस उसका ही चलता है, इसलिए कृपा मांगे ईश्वर की। तो कृपा मांगे आप, मेरा निवेदन आपसे एक बार फिर से यही है कि आप कृपा मांगे। अब पाँचवीं चीज़ कि आप किन देवी देवता की पूजा करें। आप बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। ज्योतिषीय कहता है कि व्यक्ति किसी भी इष्ट की पूजा कर सकता है, बाबा की करे, बाबा महाकाल की कर लो, शिव जी की कर लो, विष्णु जी की कर लो, राम जी की कर लीजिए, कृष्ण भगवान की कर लीजिए, लक्ष्मी माता जी को मानिए, माँ काली को मानिए, माँ चामुंडा को मानिए, किसे भी मान सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।